लंदन में गवर्नर सिंध कामरान टीसौरी ने साबिक वजीर आजम व मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक लंदन में होने वाली मुलाकात में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और सेनेटर इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ नमाज जुमा अदा की और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टीसौरी का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस हालत तक पहुँचाने वालों का एहतसाब चाहते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने, महंगाई को यहाँ तक लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। इसहाक डार का कहना था, चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल किया, नतीजा आज देख रहे। गवर्नर सिंध का कहना था कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी अदालत का मामला है, इस पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बिजली के बहरान और बढ़ते बिल्स के सबब बहुत परेशान हैं, उनसे पाकिस्तान में इस्तेहकाम और मईशत पर तफसीली बात हुई। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला वो खुद करेंगे। नवाज शरीफ को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सलाम पहुंचाया है।